नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपकी मुख्य सेविका भर्ती की जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं उनको, कोशिश करूंगी कि जनरली यहां पे सारे दूर कर दूं। अभी भी आपको देखो, इसके पहले इस वीडियो को देखने के पहले एक और वीडियो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहाँ पर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर बता रखी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लेना, मैं कमेंट सेशन में उसको पिन भी कर दूंगी, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो का जो कंटेंट है वो यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर कर लेना है। अब हम बात करते हैं जो आपके डाउट्स हैं जिनको लेकर आप अभी भी परेशान हो, तो कई चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहली बात, जो आप लोग पूछ रहे हो कि दूसरी कोई डीवी लिस्ट आएगी, तो देखो अभी बता दूं, अभी कोई डीवी लिस्ट दूसरी आने की कहीं भी कोई बात नहीं चल रही है, तो इसीलिए आपको देखो गुमराह नहीं करना चाहती हूँ। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या मैम दोबारा दूसरी आएगी, तो देखो अभी कोई आने की गुंजाइश नहीं है। जब इन लोगों का डीवी हो जाएगा और उसके बाद कुछ अगर ज़्यादा प्रॉब्लम निकलती है एलिजिबिलिटी को लेकर या कुछ भी लेकर कोई इशू निकलता है, तो तब आपको मैं उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगी। दूसरी चीज़, आप सभी ने बहुत बहुत अप्रिशिएट किया मेरे कंटेंट को, मेरे नोट्स को, काफ़ी लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो। ये आप ही की मेहनत है जिससे आपका सिलेक्शन हुआ है। देखो नोट्स तो हर कोई देता होगा, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ स्पेशल दिया था, लेकिन आपने मेरे साथ जितनी मैंने मेहनत की उससे ज़्यादा आप सभी ने मेहनत की, और इसी वजह से आज आप उस मुकाम पर हो जहाँ शायद कुछ लोग नहीं पहुँच पाए हैं। तो पहले तो आप सभी इस बधाई के पात्र हो। और दूसरी चीज़ जो आप लोग अभी मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हो, आपके नोट्स हमने इतने दिन पहले पढ़े, ऐसे पढ़े बहुत अच्छे कंटेंट से, तो चलो बहुत थैंक यू उसके लिए। और मैं तो मतलब अपना एफर्ट तो दी ही थी, आपको पता ही है कि मेरा बैकग्राउंड बीटेक वाला था, टेक्निकल था, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आपकी कई लड़कियां हैं जो मुझसे सुपर टेट और टेट के टाइम पढ़ रही थी, तो सुपर टेट तो आया नहीं, उन्होंने टेट वगैरह मुझसे पढ़ा था, तो उन्हीं की वजह से स्पेशल उन्होंने बोला कि मैम मुख्य सेविका का आप कंटेंट देख लो, पढ़ा सकते हो तो प्लीज पढ़ा दो, इसीलिए मैंने उस कंटेंट को पढ़ाया था। और उसके बाद खैर काफी लोग मुझे जुड़ गए, काफी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत आप लोगों ने प्यार दी, बहुत सपोर्ट दिया, उसी की वजह से मैं सोचो बीटेक होते हुए भी मैंने आपके कंटेंट के लिए उतनी ही मेहनत की, उतने अच्छे से बना के एग्जाम दिया। इनफैक्ट लास्ट में मुझे भी खुद जब कई लोग मुझसे पूछते थे ना मैम आपका एग्जाम नहीं है, तो मेरा मन ये करता था कि काश मैं भी एलिजिबल होती तो इस एग्जाम को दे लेती, क्योंकि इतनी मेहनत मैंने इस एग्जाम को देने के लिए नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए थे। लेकिन थैंक यू सो मच कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट लगा और इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ। अब मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी लोग फाइनल भी अपना सिलेक्शन लेकर आओ, फिर हम लोग एक पार्टी करते हैं, कुछ गेट टुगेदर करते हैं, कुछ मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को गिफ्ट ज़रूर दूं, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है। और देखो अभी छोटा सा चैनल है, अभी स्टार्टिंग ही की हूँ, अकेली टीम हूँ, कोई ऐसा मेरे पास कुछ है भी नहीं, आप ही लोगों का प्यार और सपोर्ट रहता है जिसकी वजह से मैं चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती रहती हूँ। तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया, बहुत सी लड़कियों ने कल अप्रिशिएट किया था और उनको थैंक यू पर्सनली तो कह नहीं सकती, इसीलिए भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर कह रही हूँ। अब सबसे पहली बात कि आपका डीवी में क्या होगा, कुछ लोगों का मोबाइल नंबर ईमेल आईडी गायब हो चुकी है, तो पहले सबसे बड़ी बात सुनो कि आपको जो आपका डीवी होगा, कई लोगों का एक क्वेश्चन था मैम डीवी के बारे में पता कैसे चलेगा, तो जैसे आपको रिजल्ट के बारे में पता चला ऐसे ही मैं तो अपने चैनल से बताऊंगी ही आपको, प्लस आपको भी यूपी ट्रिपल एससी की साइट से, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी की साइट से आपको नोटिस मिल जाएगा, किसका, डीवी का। और वहां पे क्या होगा, वहां पे डीवी देखो कुछ टाइम तक चलता है, ऐसा नहीं कि एक दिन में सबका डीवी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को ज्यादा बुलाया गया तो क्या होता है कुछ टाइम स्लॉट दे दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे लेखपाल में क्या हुआ था, दो शिफ्ट में हो रहा था, एक मॉर्निंग शिफ्ट हो रही थी और एक इवनिंग शिफ्ट हो रही थी, उसी जगह जब मैंने जूनियर असिस्टेंट का दिया था तो वहां सिर्फ एक शिफ्ट चल रही थी, तो वो डिपेंड करता है कैसे लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो दो शिफ्ट में अगर आपका होता है, किसी भी समय होता है, आपको टाइम स्लॉट बता दिया जाएगा, आप जब अपना वो देखोगे तो वहां डीवी में जब नोटिस आएगा ना तो वहां दिख जाएगा कि इस तारीख से, मान लो सपोज करो 10 दिसंबर से, दिसंबर तो खैर अभी नहीं हो पाएगा, जब मैं एग्जाम्पल बता रही हूं 10 दिसंबर से मान लो 4 फरवरी तक चलता है, तो आपको आपके इसमें डेट और टाइम लिख के मेंशन हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, यूपी ट्रिपल एससी की साइट पे आ जाए कि 10 से लेकर 4 फरवरी तक मुख्य सेविका का डीवी चलने वाला है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को यहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, तो क्या हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही आपको अपना क्या पता चल जाएगा, किस दिन किस समय है वो पता चल जाएगा, ठीक है। और वो लिखा रहेगा, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी, वो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है, मैं भी आपको आगे अपना खुद का डॉक्यूमेंट दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज देखो, बहुत से लोग पूछते मैम वहां क्या क्या मिलता है, तो देखो मैं इसीलिए कह रही हूं एक वीडियो और बनाई हुई हूँ डॉक्यूमेंट वाली, उसको देख लेना। जितनी भी चीजें जो आपको घर से भर के ले जानी है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको घर पर मिलते हैं, मतलब जिनको आप प्रिंट करके घर से भर के ले जाते हो, और मैंने ये भी बोला कि जिस भी जगह, वैसे तो जिस दिन डीवी होगा उसके एक दिन पहले मैं फिर से ऐसे वीडियो
बना के आपको सब समझा दूंगी कहाँ क्या भरना है। अभी तो मैंने सिर्फ दिखाया था कि क्या क्या है, क्या क्या मिलेगा, उस समय आपको मैं भरवा भी दूंगी। यहाँ पे ऑनलाइन हम लोग आएंगे, मैं आपको एक एक चीज समझा दूंगी कहाँ क्या भरना। अपनी पेंसिल से फोटोकॉपी करा के रख लेना, जो मैं बताती हूँ उसको पेंसिल से भर लेना, बाद में फेयर आउट कर लेना, और एक एक्स्ट्रा और कॉपी रखे रहना कि वहां जाओ कोई कंफ्यूजन हो तो उसको भी आप वहां पर भर सको। ठीक है, ये चीजें मैं बताऊंगी आपको, उसके लिए परेशान मत हो। तो वो डॉक्यूमेंट जो आपको मिलेंगे उस वीडियो में है, यहां जो आपको नया डॉक्यूमेंट जो आपको नहीं दिया जाएगा वहां जाओगे तो मिलेगा, ये वो डॉक्यूमेंट है। जब हम लोग वहां गए थे तो हम लोगों को तुरंत जाते ही ये डॉक्यूमेंट दिया गया। एक अटेंडेंस होती है जहां पे आपको अटेंडेंस अपनी साइन करनी होती, दूसरा ये डॉक्यूमेंट मिला था। इसमें क्या होता है, इसमें यहां पे ऐसे विज्ञापन संख्या दिख रही होगी आपको, हो सकता है ना दिख रही हो। विज्ञापन संख्या यहां लिखा है एक परीक्षा 2022, आपके वाले में जो आपकी होगी वो लिखी होगी। ठीक है, आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि क्या थी, 28 जनवरी 2022 ऑलरेडी लिखी हुई है, ऐसे आपके में भी वो लिखा होगा। यहां पर क्या करोगे, अपना अभ्यर्थी का नाम और जेंडर, अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या अभ्यर्थी जो है वो आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करता है, तो आप लिखोगे कि हाँ आप अर्हता धारित करते थे, हाँ करोगे। फिर उसके बाद पूछा गया जो चीज़ें कि आपके पास इंटरमीडिएट है या जो भी चीज़ें हैं वो हैं कि नहीं, NCC है जो है वो हाँ या नहीं करते जाओगे। ठीक है, फिर क्या है, आपकी आयु सीमा से रिलैक्सेशन अगर आपको मिला है तो आप हाँ करोगे, नहीं मिला है तो करोगे टेक। फिर यहाँ पे जिस भी आप श्रेणी के हो, SC ST OBC EWS, वो यहाँ पर आप गोला करोगे। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, कि अगर आपको फीमेल जैसे है, आपको तो नहीं मिल रहा है लेकिन लेखपाल में क्या था, विमेंस को कैटेगरी का फायदा मिल रहा था, तो वहां पे आपको फीमेल हो, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हो, एक्स सर्विसमैन हो, PH हो, कुछ भी हो, आपको वो टिक करना था। PH देखो यहाँ पे जैसे कुछ ही लोग थे, ऐसे यहाँ भी आपको पता है कि आपकी मुख्य सेविका में भी PH कुछ ही कैटेगरी को दिया गया, जैसे कि आपकी विजन वालों को दिया गया है, डेफ वालों को दिया गया और बौनेपन या डॉर्फिज्म को दिया गया है, तो तीन कैटेगरी में ही आपको यहाँ भी PH का रिलैक्सेशन मिला है। तो अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे हाँ लिखना, नहीं तो नहीं कर देना। आगे देख लो, भूतपूर्व सैनिक हो तो आपको अपना संलग्न लगाना पड़ेगा, आपको अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो संलग्न लगाना पड़ेगा। ये देखो आपको 10th और 12th का खाली है, क्योंकि राजस्व लेखपाल की बात थी। आपके में जब आएगा तो आपके में ग्रेजुएशन भी लिखा होगा, आपको ग्रेजुएशन वाला भी यहां भरना होगा। देखो यहां पर सब कुछ अपना नाम लिखना है, मैं दीपाली श्रीवास्तव घोषणा करता हूं, जो भी लिखा है। उसके बाद आपको अनिवार्य अर्हता वाला लिखना होगा कॉलम। पहला आपको हाई स्कूल दिख रहा है, अंक पत्र और प्रमाण पत्र, अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी का जो नाम होगा, अंक पत्र आपका जो होगा और सर्टिफिकेट नंबर, वो सब यहां लिखना। जो आपकी अंकित तिथि होगी, जो लिखी होगी आपके रिजल्ट पे, वो लिखोगे। सेम ऐसे इंटरमीडिएट करोगे, और आपके केस में लेखपाल में था इंटरमीडिएट तक, आपके में ग्रेजुएशन भी है, तो आपके में क्या होगा, यहां तीसरे पे ग्रेजुएशन का भी संस्था का नाम और ये सब लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद देख लो आरक्षण संबंधित जो अभिलेख। अब देखो ये क्यों बता रही हूं, क्योंकि ये कागज आपको बहुत अच्छे से भरना होता है। जो आप लेके जाओगे ना चीजें, वहां जो गलतियां किए हो, जो भी किए हो, वो वहां जाके आप एफिडेविट लगा के आप जो बताओगे कि ये गलती, जो भी आप बताना होगा करोगे वो चीजें, उसके इसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई सर्टिफिकेट, कोई भी चीज में गलत नहीं करोगे, इसीलिए इसको भरवाया जाता है कि यहां आप सब कुछ सही जानकारी दे रहे हो, और उसको बाकी वहां पर जो बैठे होंगे ऑफिसर्स, आपके जो भी अधिकारी वहां आपके साथ कर रहे होंगे आपका DV, वो सब चीज जांच लेंगे। तो ये दोनों पेपर आपको बहुत ध्यान से भरना होगा। ठीक है, पहला काम देखो बता दिया, पहुंचोगे आपको डीवी का डेट टाइम आपको मेंशन हो जाएगा। मैं तो चैनल पे बताऊंगी, इसलिए चैनल पे अगर नए हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी किस दिन किसका मतलब होना है, वो रोल नंबर वाइज आ जाता है। आप अपना जब डॉक्यूमेंट्स निकालोगे तो आपके में डेट और टाइम साफ साफ लिखा होता है, उस दिन आपको समय वहां पहुंचना होता है, अटेंडेंस साइन कराई जाएगी, फिर आपको ये कागज मिलेंगे जिसमें आपको भरना होगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स आप ऑलरेडी घर से भर के लेके जाते हो, मैं आपको बताऊंगी, फिर भी कोई क्वेरी रहेगी तो आप एक्स्ट्रा एक कॉपी लेके जाना, वहां समय रहता है, आराम से दोबारा भर लेना। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो। यहां आरक्षण संबंधित जो भी आपका है, अगर आप मान लो SC ST है तो जारीकर्ता का पदनाम, अपना प्रमाण पत्र संख्या लिखोगे और उसकी अंकित तिथि लिखोगे। कई लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि मैम SC का हमारा पुराना है तो बनवाना है, तो नहीं, अगर आपका डिजिटली साइन है तो आपको नहीं बनवाना है, डिजिटल वाला जिसके पास है उसको नहीं बनवाने की जरूरत है। हैंड रिटन अगर आपका है जो बहुत पुराना था, 18-20 साल पहले चलता था, हाथ से लिखा हुआ, वो अगर है तो अप्लाई करके नया बनवा लो बस। उसके अलावा पुराने जितने भी लोगों के पास पहले का है उसको वही लेके जाना, कोई नया सर्टिफिकेट कास्ट नहीं बनवाने की जरूरत। EWS बनवा लो, EWS तो हर साल की बनता है, लेकिन आपको ये बनवाने की जरूरत नहीं है कास्ट वाला।
क्षैतिज आरक्षण की स्थिति में, मतलब विमेन को तो नहीं करना था जो, लेकिन आप हो, जैसे आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हो, पीएच हो, तो वो सब अपना यहाँ पे पदनाम, प्रमाण पत्र संख्या और कब जारी किया गया वो सब यहाँ मेंशन करोगे। ऐसे ही अगर आपको आयु सीमा में आपको कुछ भी मिल रहा है लाभ, तो वहां लिखोगे। कोई और आपके पास अभिलेख है, जैसे आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, लेकिन निवास प्रमाण पत्र तभी लगता है जब आपको आरक्षण दिया था। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है निवास प्रमाण पत्र आरक्षण की स्थिति में। जितने लोग जनरल कैंडिडेट हो उनको उनको निवास प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं होती है, तो ले जाना, लेकिन जरूरत नहीं होती है। जरूरत सिर्फ जिनके पास, जिनको आरक्षण मिला होता है, उनको यहां पर निवास प्रमाण पत्र अपना सब कुछ लगाना पड़ता है। अधिमानी अर्हता कोई भी है, मान लीजिए एनसीसी या कुछ भी आपने कहा कि मैंने किया हुआ है, तो आप उसका भी पदनाम वगैरह डाल सकते हो। अब यहां पर देखो एक और ऑप्शन है, वो क्या है, उपयुक्त अभिलेखों में से कोई भी अभिलेख ना होने की स्थिति में अभ्यर्थी अंकित करें। अगर जितनी चीजें यहां मांगी जा रही हैं, आपके में ग्रेजुएशन भी है, बार बार इस चीज को मेंशन कर रही हूं, इनमें से कोई भी चीज आपके पास नहीं है तो आप यहां पे उसको मेंशन करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप वहां बात करोगे तो आपको टाइम देंगे, एफिडेविट बनवाएंगे, कुछ करवाएंगे आपसे कि आपको एक दिन में ला के देना है, तभी आपका ये माना जाएगा, अदरवाइज ये कैंसिल हो जाएगा कैंडिडेचर आपका। तो आपको कुछ अगर अभिलेख नहीं होगा तो यहाँ पे आप उसको मेंशन करोगे कि मेरे पास ये चीज नहीं है। फिर अगर यहाँ पे कुछ आप क्या लिखोगे, ये लास्ट में लिखते हैं कि अगर मान लो आपकी कोई चीज में अंतर आ रहा है, जैसे कुछ लोगों ने बताया था कि मेरे रोल नंबर में मैंने गलत लिख दिया है, मैंने कुछ चीजें गलत लिखी, तो जो भी आपके ओरिजिनल से होगा उसको यहाँ चेक कर लेंगे वो, फिर जो असंगति पाई जाएगी वो लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे निर्णय होगा, जो भी नोडल अधिकारी होंगे वो अपना देखेंगे कि हाँ सही है, हमें ये चीज फ्रॉड नहीं लग रही, सही है, तो कंसिडर किया जाएगा। और बाकी वही आपका साइन, आपका नाम, हिंदी इंग्लिश सब लिखना होगा। समझ में आ गया ये पेज? तो पहला काम आपका, आपका नाम आ जाए, आपको डॉक्यूमेंट्स पता ही चल जाएंगे कैसे में निकालने हैं, और उसके बाद आप जब जाओगे साइन करोगे आपको ये कागज दिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर बारी बारी सभी को बुलाया जाता है, ठीक है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग वहां पर सबको बुलाया जाता है। अब ये क्या है दोस्तों, ये है, बहुत से लोग मुझसे जो पूछ रहे थे कि मैम प्रायोरिटी क्या होगी, हमसे प्रायोरिटी मांगी जाएगी कि नहीं। देखो लेखपाल में तो कोई प्रायोरिटी नहीं मांगी गई थी, बट ये प्रेफरेंस जरूर दी जाती है, और आपके भी केस में दी जाएगी कि जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास का ही आपको एरिया दिया जाए। यहाँ भी यही कोशिश की गई थी, वहां भी यही की जाएगी। ये जो है ये आपका जूनियर असिस्टेंट का था, जब मैंने उसका दिया था, तो जूनियर असिस्टेंट वाले में क्या है, ये वरीयता मांगी गई थी, ठीक है, चार परीक्षा 2019 की है, यहाँ पे वरीयता मांगी गई थी कि कौन सा किसको विभाग चाहिए। तो जैसे मुझे था कि मुझे लखनऊ ही लेना है, और कुछ नहीं ले सकती थी, मतलब फैमिली रीजन से और भी कई रीजन है, तो मैं सिर्फ लखनऊ ले सकती थी। तो मैं अपने अकॉर्डिंग की कौन सा लेना है जिससे कि लखनऊ ही मिले, तो जैसे सुना था मैंने कि हेडक्वार्टर जनरली सबका लखनऊ में होता है, तो भले वहां सीट कम थी या ज्यादा थी, मैं कोशिश कर रही थी कि उसको प्रायोरिटी पे रखूं। जैसे मैंने सबसे पहले, अगर तुम अगर देखोगे तो मैंने पता नहीं कौन सा कोई वक्फ बोर्ड वोर्ड था, वो सब ले लिया था कि वक्फ बोर्ड जो है वो लखनऊ में ही होगा तो मुझे वो मिल जाए। समझ में आ रही बात? तो मैंने उस अकॉर्डिंग यहाँ प्रायोरिटी दी थी, यहाँ प्रायोरिटी मांगी गई थी, लेकिन लेखपाल के केस में ऐसा कुछ नहीं मांगा गया था, और मुझे ऐसा लग रहा कि आपके केस में भी नहीं मांगा जाए, क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे आपसे प्रायोरिटी मांगी जाए, तो होम डिस्ट्रिक्ट जो आपका एड्रेस होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको दे दिया जाएगा। अब देखो ये क्या दिखा रही हूँ दोस्तों, ये मैं वो दिखा रही हूँ डॉक्यूमेंट जो आपका मेरा जूनियर असिस्टेंट का ही 2019 का है, ठीक है, ये 2019 का है, वही दिखा रही हूँ आपको। देखो दिख रहा होगा चार एग्जाम 2019। अब देखो मैं ये क्यों दिखा रही हूँ कि आपका जब आएगा ना सत्यापन वाला, तो ऐसे ही सेम आएगा डीवी का, और देखो ये तब से यही चला आ रहा है, ये 2022 से अभी तक ऐसे ही चला आ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड मैं इसमें ज़रा मार्क कर दूँ, मार्क नहीं हो पा रहा मुझसे। देखो अभी जो दिखाया मैंने आपको लेखपाल वाला, देखोगे वहां भी यही है, और इस वाले में देखोगे तो इसमें भी आपको देखो ये 1 फरवरी को आया था, इसमें भी यही है, तभी आ गया था नोटिस, और उसके बाद मेरा किस दिन था, 5 अप्रैल को था सुबह के 10 बजे सत्यापन, ऐसे ही इसमें भी था, लेखपाल वाले में भी। तो आपको क्या है यहां पर देखो, विज्ञापन संख्या दिख जाएगी, आयोग का जो भी है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम का नाम दिख जाएगा, और देखो यहां भी क्या क्या आपको डाउनलोड करके ले जाना है, यहां भी वही था, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूं, अटेस्टेशन फॉर्म, प्रमाणीकरण पत्र, इंडेक्स कार्ड आपका, और प्राप्तांकों के विवरण, डिटेल्स ऑफ मार्कशीट, ये सारी चीजें वहां भी आपको लेके जानी थी। और यहां भी देखो वही चीजें लिखी है कि आपको अगर आपके पास उपाधि या डिग्री जो भी चीज है, देखो यहां मैं पढ़ के सुना देती हूं, यहां लिखा भी हुआ है, ठीक है, कि साफ साफ सुन लो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि आयोग की वेबसाइट से आपको ये सारी चीजें डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भर के अपने सभी प्रमाण पत्रों, अंक तालिकाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों, ठीक है,
आपको अटेस्टेड कॉपी अपनी खुद से सेल्फ अटेस्टेड लेके जानी है, प्लस ओरिजिनल तो लेके ही जानी है, उसमें अंक तालिका, प्रमाण पत्र, डिग्री, ये सब चीजें आपको मूल ओरिजिनल के साथ साथ फोटोकॉपी लेके जानी है। यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में आपके द्वारा दी गई जो भी सूचना है आपके मूल अभिलेखों से भिन्न पाई जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका अभिलेख सत्यापन से वंचित कर दिया जाएगा। तो अभ्यर्थियों से यह स्पष्ट किया जाता है कि उनके शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र उपयुक्त विज्ञापन की अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, यानी कि जिस दिन विज्ञापन आया था, कोई कहे कि तब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, एग्जाम आ गया था विज्ञापन पहले 22 में, लेकिन एग्जाम हुआ 23 में, तो मैं 23 में तो हो गई थी, तो नहीं माना जाएगा। जिस दिन विज्ञापन आया था उसके पहले ही आपका क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शैक्षिक वाले में। आपको और क्या लेके जाना है, मैं बता भी चुकी हूं, दो फोटोग्राफ लेके जानी है, और जहां भी आपने शिक्षा पाई है वहां से या फिर किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से क्या करना है, उसको प्रमाणित करके या फिर स्वप्रमाणित कर लेना, सबसे बेहतर है कि अपना सेल्फ अटेस्ट कर लेना, वो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। और दो प्लेन फोटो लेके जानी है। फिर उसके बाद यहां पे क्या है कि कुछ भी आगे पाया जाएगा कि आपका सही नहीं है, तो क्या लिखा हुआ है कि स्पष्ट किया जाता है कि आयोग अंक तालिकाओं को सम्मिलित परीक्षा के मूल प्रमाण पत्रों या डिग्री के स्थानों पर मान्य नहीं समझते, और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुए हैं और परीक्षा संस्था ने जो भी है प्रमाण पत्र अथवा उपाधि नहीं दी हो, तो आपको प्रोविजनल दिखाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सी जगह ऐसा होता है, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि अब तो इतना लंबा टाइम होगा ग्रेजुएशन का, जरूर आप सभी के पास होगा। जिसके पास ऐसा हो, मान लो कि नहीं आई है डिग्री, तो वहां पर आपको प्रोविजनल लेकर जाना है, ठीक है। और ये सब चीज, अगर आप कोई भी चीज जो अभिलेख है उसका ओरिजिनल नहीं लेके जाओगे तो आपका सत्यापन नहीं किया जाएगा। बाकी तो वही इंपॉर्टेंट चीज कि मोबाइल फोन को आपको साइलेंट या स्विच ऑफ मोड पे रखना है। तो देखो, मैंने ये सारी चीजें सिर्फ क्यों दिखाई हैं आपको, ये इसलिए दिखाई हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है वो तब से चला आ रहा है, वो ऐसा ही है। 2022 का मैंने आपको दिखा दिया जब मैंने डीवी कराया था, जूनियर असिस्टेंट वाला, तो तब से वैसा ही चला आ रहा है, आपको भी कुछ नया नहीं करना होगा। अब मैं फिर से बता देती हूँ क्या क्या होगा। आप जाओगे, आपका डेट और टाइम आपको पता चल जाएगा, फिर आपसे अटेंडेंस साइन कराई जाएगी, ऐसा कागज मिलेगा जो आपको भरना होगा, जो मैंने कागज ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर से देख लेना वीडियो, मैं भी लिंक में डाल दूंगी, कमेंट में भी डाल दूंगी और यहां भी डाल दूंगी, पिन कर दूंगी, देख लेना उसको। वो सारे डॉक्यूमेंट आपको भरवा दिए जाएंगे, मैं यहां खुद आपको जब आपका डीवी की डेट आ जाएगी तो मैं खुद वन बाय वन सेक्शन वाइज बता दूंगी, फोटो कॉपी करा के रख लेना उसका, पेंसिल से भरते चले जाना, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज सुन लो, उसके बाद आपका क्या होगा, जब ये हो जाएगा तो वन बाय वन आप अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के साथ फोटोकॉपी जिसमें सेल्फ अटेस्टेड किए हुए हो वो लेके जाओगे, वहां पे जो अधिकारी बैठे होंगे वो आपका क्रॉस चेक कर लेंगे सारा, जो भी आपकी मार्कशीट वगैरह उसे चेक कर लेंगे, इवैल्यूएट कर लेंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हर चीज से, तो आपका अभिलेख कंप्लीट हो जाएगा और आपको आराम से भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब मुझे लगता है कोई क्वेरी नहीं होगी आपकी, जो आप बात कर रहे हो नंबर चेंज करने की, अपने ईमेल चेंज करने की, तो देखो ये सभी चीजें जब वहां जाओगे तभी उनसे बात करके चेंज करा सकते हो। ऐसे चेंज नहीं हो पाया कि आप सोचो, क्योंकि आपने फॉर्म में जो चीज भरा हुआ था प्रायोरिटी तो उसी को मिलेगी, कॉन्टैक्ट तो उसी पे किया जाएगा। अब अगर खो गया है या कुछ भी रीजन है तो वहां जाओगे, वहीं पे आयोग के अधिकारी से अपने बात करके इन चीजों को सॉल्व करना। दूसरी चीज, बहुत से लोग दिखाए हो, मुझे भेजे हो, उनके में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो पूरी मार्कशीट है वो थर्ड ईयर में आती है, थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर भी लिखा है, सेकंड ईयर भी लिखा है, थर्ड ईयर भी लिखा है। तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मैम क्या करें, तीनों लेके जाएं कि नहीं, तो मैं ये बोलूंगी तीनों लेके जाओ, लेकिन चेक देखो आपका लास्ट वाले से ही हो जाएगा। मैंने भी ऐसे, बीटेक में क्या होता है 4 साल होते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम लोग गए थे, मैं डीवी के लिए गई थी, तो सिर्फ फाइनल वाला, क्योंकि फाइनल में ही फाइनल मार्क्स होते हैं, तो फाइनल वाला ही देख के उन्होंने चेक कर दिया था, और मैं नंबर भी फाइनल वाले ही डालती हूँ, ठीक है, जो फाइनल में तीनों का सम, चारों का सम होता है चारों साल का। तो आपके भी जो फाइनल वाली मार्कशीट जिसके में है, अब देखो प्लीज कंफ्यूज मत होना ना, उसके लिए अलग से कॉल करना मुझे कि मैं, मेरे में ऐसा नहीं है, मैं देखो सबकी मार्कशीट सबकी डिग्री की बात नहीं कर रही हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पैटर्न फॉलो होता है। मैं कुछ लोगों की कह रही हूँ, जो लोग मुझसे आज सुबह से बहुत से लोग बात कर चुके, मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो जिसके में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाला कंबाइन थर्ड ईयर में, तो वो सिर्फ थर्ड ईयर ही वैसे भी चेक करेंगे, लेकिन मैंने पहले भी कहा था फिर से कह रही हूँ, आप जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ले जा पाना ओरिजिनल वो सब लेके जाना, छोड़ के कुछ मत जाना घर पर, जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होगा लेके जाना, जिससे कुछ क्वेरी हो कुछ कंफ्यूजन हो तो आप एटलीस्ट पुरानी वाली चीज अपनी दिखा सको। तो इसीलिए लेके सारी चीजें अपनी जाना, बाकी तो वो जो अभी लेटेस्ट वाली चीजें हैं उसी को जांच के आपका अभिलेख पूरा कर देंगे।
और सुन लो बहुत बड़ी बात, वो ये है कि आपको अभिलेख सत्यापन से नहीं घबराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत आसान सी प्रक्रिया होती है, बहुत अच्छी होती है, इसमें आपको कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। एग्जाम देने आते हो तो बहुत डर लगता है क्योंकि पता नहीं होता है क्या क्वेश्चन आने वाला है, जो हम पढ़ के जा रहे हैं वो होगा कि नहीं होगा, कुछ पता नहीं होता है। लेकिन डीवी में सारी चीज़ें लिखी लिखाई हैं, वही प्रोसेस हमेशा होता आ रहा है, उसमें कुछ भी नया नहीं होगा, तो ज़्यादा घबराना और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डीवी को लेकर इतने घबराए हुए हो, इतने परेशान हो कि मैं क्या बता दूं। दिन भर सुबह से शाम तक आप लोग कॉल करते हो और एक एक लोगों की क्वेरी में सॉल्व करती हूँ, समय इतनी ज़्यादा कॉल आ रही कि एक लड़की से बात करती हूँ, जो लोग करते हैं बात उनको पता है मुझसे, एक से बात करती हूँ दूसरे की कॉल वेटिंग आती रहती, फिर दूसरे से कॉल करती हूँ तीसरे की आती रहती है। इतनी ज़्यादा आप लोग कॉल करते हो कि मैं ट्रेनिंग सेंटर पर रहती हूँ, कहीं रहती हूँ, लगातार आप सबकी कॉल आती रहती है कि मैं बताती भी हूँ कि अभी बात नहीं कर पाऊंगी। तो देखो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रोसेस को मैंने उम्मीद ये कर रही हूँ कि बहुत अच्छे से बता दिया है, अब डरने की ज़रूरत नहीं। बस अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको, उनकी फोटोकॉपी करा के रख लो, जब डीवी की डेट आएगी तो मैं आपको खुद से ही बता दूंगी कैसे कैसे क्या भरना है, कहाँ नाम लिखना है, कहाँ क्या करना है। मेरे साथ उसको आप लाइव भर लेना, ठीक है, उसके बाद पेंसिल से भर लेना, फिर फेयर करके रख लेना, जिस दिन जाना होगा डीवी में उस दिन लेके अपना चले जाना, आराम से डीवी करा के आ जाना, और जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझे मिठाई खिलाना बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने मतलब मेरे नोट्स को अप्रिशिएट किया है, जो लोग आगे भी कंटिन्यू देखो पढ़ाई करना चाहते हो UPPCS की या फिर RO वगैरह की, तो PCS में तो अब समय ज़्यादा नहीं है तो मैं उसकी तो नहीं बोलूँगी कि तैयारी हो पाएगी। RO की अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप सभी के पास नंबर है, आप उस नंबर से कांटेक्ट कर लो, नहीं तो एक दिन हम लोग लाइव ले लेंगे, उस लाइव में मैं डिस्कशन करके ये देख लूँगी कितने लोगों का इंटरेस्ट है कि नहीं है, फिर हम लोग उस अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, जिसका हो गया है उनको भी कहूँगी, जिनका नहीं हुआ है उनको भी कहूँगी पढ़ाई करते रहो, अपना जो भी गोल है उसको अचीव कर लिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं किया है तो अपने लक्ष्य के पीछे भागो, ज़रूर खुद ब खुद सफलता आपको मिलेगी। परेशान मत हो, कोई भी परीक्षा आखिरी नहीं होती है, आपने अपना बेस्ट दिया है तो आपको भी अच्छा ही मिलेगा, इसके लिए परेशान मत हो, ठीक है। चलो तो फिर बस यही बताना था, इतना चीज़ जो कन्फ्यूजन थी आपकी, उम्मीद कर रही हूँ कि क्लियर हो गई होगी। अब इससे ज़्यादा देखो यहाँ पर मैंने दिखा भी दिया आपको कि अगर कुछ कोई चीज़ नहीं है तो आप यहाँ अंकित कर सकते हो, कोई चीज़ अगर डिफरेंस पाया जाएगा तो वो भी यहाँ पर अंकित हो जाएगा, तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, ये कागज आपको मिलेगा जब आप जाओगे और इसको आराम से करके भर लेना। तो आप परेशान नहीं होगे, आई होप आप पॉजिटिव रहो और खुश होके आराम से अपनी डीवी की तैयारी करो और अपनी आगे की परीक्षाओं की तैयारी करो। चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर मेरी बातों से कुछ भी आपको मोटिवेशन मिलता है या अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। वैसे तो आप सब बहुत अच्छे से कमेंट करते हो, उसी के लिए मैं मोटिवेटेड रहती हूँ, कितना भी बिजी शेड्यूल है मैं इस समय आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है गर्ल्स बहुत परेशान हैं और आप सब मुझ पर इतना भरोसा करते हो, इसीलिए मैं जेन्युइन जो चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, जो मैंने खुद किया है, वही आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। धन्यवाद।